Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. यूपी में बेच चुकी राजनीतिक बिसात के बीच समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की अभी विधिवत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे हैं। मेरठ के दबथवा में 7 दिसंबर को होने वाली दोनों दलों की संयुक्त संकल्प रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सभा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व रालोद नेता जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा करेंगे। आज तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक के बाद दोनों ही दलों के नेताओं ने रैली व गठबंधन को लेकर खासा उत्साह दिखाया। इस दौरान पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने मीडिया से यह बात की। जो 7 तारीख को यहाँ गठबंधन संयुक्त रैली होगी, यानी कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रैली में आ रहे हैं, और जयंत चौधरी साहब जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रैली में आ रहे हैं। तो ये एक संयुक्त रैली होगी जिससे भाजपा को उखाड़ फेंकने का उस दिन ऐलान किया जाएगा, और इस बात को लेके जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, तमाम लोग इस गठबंधन से, जो ये गठबंधन होने जा रहा है, इससे बहुत खुश हैं। और ये जो रैली होगी, ये एक तरह से यूपी में भाजपा का सफाया करने के हिसाब से जनता जो है उस रैली में तमाम लोग जो हैं शरीक होंगे, सब लोग शामिल होंगे। पहले भी ये गठबंधन हो चुका है और वो भी अब की बार जो है इन्होंने भाजपा वालों ने सारे हदें पार कर दी, बहुत ज़्यादा सताया है किसानों पे, किसानों की दुर्दशा जो हुई है, किसान जो एक साल से सड़क पे बैठे हैं, 700 किसान शहीद हो गए, गाड़ियों से कुचल दिया गया किसानों को, उन सारी चीज़ों को लेके आज जो है तमाम पूरे देश का हर नागरिक, क्या हर समाज का व्यक्ति इस भाजपा सरकार से ऊब गया है। और ये जो गठबंधन है ये जनता की मांग पे हो रहा है, जनता इस गठबंधन से खुश है, और जनता जो गठबंधन होगा। उधर इस बैठक में मौजूद युवा सपा नेता अतुल प्रधान का यह कहना था। आप देखेंगे कि बहुत हर्षोल्लास आम जनता में है जब गठबंधन होता है, और खास तौर से किसान की सोच रखने वाली पार्टियों का गठबंधन ये हुआ है, और इससे कोई नाइत्तेफाकी नहीं है किसी व्यक्ति की कि जो जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इकट्ठा होकर इस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये धराशायी करने वाला है इस भाजपा की सरकार को, और पूरी तरीके से इस उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा, और उसके बाद इस देश से भी सफाया होगा इस पार्टी का। जितना झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया और ऐसी चीज़ें चलाईं, जुमले छोड़े, आज सब जनता के बीच में है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता किसानों के साथ क्या हुआ। हम सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर आने वाले 2022 के चुनाव में हम सब लोग इसको कैसे सफल बनाएं, उसके लिए हम लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष यहां पर, लोकदल के जिला अध्यक्ष, लोकदल के सभी वरिष्ठ साथी, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ पर आज इकट्ठा हैं, और मेन एजेंडा है कि 7 तारीख को जो यहाँ पर गठबंधन की जो समाजवादी पार्टी और आदरणीय हमारे जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की जो संयुक्त मीटिंग होनी है 7 तारीख को, उसके लिए, उसकी तैयारियों के लिए आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। वहीं रालोद के नेता मुकेश जैन ने यह कहा। हमारी रैली जेवर से कहीं ज्यादा अधिक बड़ी होगी। आप जो है हमारी 10 साल से मीटिंग देख लो, बीजेपी से हमेशा बड़ी मीटिंग हुई है, इनसे तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन है भी नहीं, हमारी ऐतिहासिक मीटिंग होती है। आपने कवर करी है सारी मीटिंग, कौन सी हल्की नहीं रही, सब बड़ी। कितने लोग पहुंच पाएंगे इस रैली में? लाखों लोग पहुंचे। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी सारे कार्यकर्ता लग चुके हैं, मन से लगे हुए। क्या कहीं कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आपस में कोई मनमुटाव है दोनों? नहीं नहीं, कहीं नहीं है कोई मनमुटाव। सीटों को लेकर सामने आ रही है, सीटें का हमारा सब बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अखिलेश जी, जैन जी की डायरेक्ट बात हो रही है, बीच में कोई लोग नहीं है, सब ऐतिहासिक। अच्छा, मेरठ की सीटों पर बंटवारे को लेकर बात चल रही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हर चीज फाइनल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।